यहाँ पर हम क्रीमी पास्ता बनाएंगे, जो कि बिल्कुल भी हम चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल वगैरह बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्वाद लगता है। आप इसको टिफ़िन, स्नैक्स, डिनर, ब्रेकफास्ट किसी में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप जितना पास्ता ले लिया है, और सब्जियों में यहाँ पर मैंने पालक 1 गड्डी 1 कप जितना होगा उसको रफली बड़े बड़े साइज़ में आपको चॉप करना है। 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने पतले पतले लंबे में काट लिया है, और एक बड़े वाले जो गाजर को, उसका आधा गाजर को पतले पतले लंबे में, एक मीडियम साइज़ कैप्सिकम को पतले पतले लंबे, एक मीडियम साइज़ प्याज को भी पतले पतले लंबे में, और 5 से 6 बीन्स को भी मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने पानी 1 उबाल आने के लिए रख दिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच तेल डाल दिया है और 1/2 चम्मच अभी नमक डाल दूँगी, और इसको हाई फ्लेम में रख दूँगी जब तक कि इसमें 1 उबाल आ जाए। जब तक इसमें उबाल आ रहा है, इसको हम दूसरे चूल्हे पर इसको शिफ्ट कर देंगे, और यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी, और कढ़ाई में 1 चम्मच जितना ही हम तेल देंगे, और इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हमने जो प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट के रखे हुए थे उसको डाल देंगे, और इसको सॉटे करेंगे। इसको हमें कैरामेलाइज नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको तब तक सॉटे करना है जैसे कि ये थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, और फ्लेम को आपको लो से मीडियम पर ही रखना है, और इसको ट्रांसल्यूसेंट होने में बस 1 से 1.5 मिनट का ही समय लगता है। और जैसे ही ये ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, तो हमने जो चॉप करके रखा हुआ है बीन्स, और पतले पतले लंबे में काट के जो गाजर और जो कैप्सिकम को रखा हुआ है उसको डाल देंगे। आप यहाँ पर मशरूम या फिर कॉर्न, कोई भी आपके जो चॉइस वाले जो आप भेजीज ज़्यादा डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बस कैप्सिकम, गाजर और वो बीन्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जितना हम नमक देंगे, जो कि सब्जियों के नाप के हिसाब से ही देंगे, और ज़्यादा नहीं देंगे, बस सब्जियों के हिसाब से ही देंगे, और 1/2 छोटा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर हम दे देंगे। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, और इसको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारे सारी सब्जियां अच्छे से कुक ना हो जाए, और मतलब थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए मगर अच्छे से कुक भी हो जाए, क्योंकि बीन्स यहाँ पर थोड़ा सा सख्त वाला है और जो गाजर है, ये दोनों अच्छी तरह से कुक होने चाहिए। तो अब इसको ढक्कन देकर हम दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर देते हैं, और अभी देख लेते हैं कि हमारा जो पानी हमने जो चढ़ा कर रखा हुआ था उसमें अभी उबाल आया है या फिर नहीं आया है। अब यहाँ पर उबाल आ चुका है, तो अब इसके फ्लेम को हम लो से मीडियम पर कर देंगे, और जो हमने 2 कप जो पास्ता रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे। इसको 8 से 10 मिनट पूरी तरह से कुक होने के लिए लगेगा। अब ये पूरी तरह से कुक हो चुका है, 8 से 10 मिनट हो चुका है। इसको एक फोर्क की मदद से, मैं फोर्क को अंदर डाल के आपको दिखा देती हूँ कि ये अभी नरम हो चुका है, ये देखिए। तो अब पानी को हम डिस्कार्ड कर लेंगे, और एक स्ट्रेनर की मदद से पास्ता को मैं सेपरेट करके एक कटोरी में साइड करके रख लूँगी, और इसके अंदर आप देखिए वेजीज भी हमारे हो चुके हैं। तो अभी सारे वेजीज को मैं एक प्लेट में शिफ्ट करके अलग से अभी रख दूँगी, और प्लेट में रखने के बाद उसी कढ़ाई को ही मैं 1 चम्मच तेल और दूँगी गर्म होने के लिए, और जब तेल गर्म हो जाए तो हमने जो लहसुन की कलियों को काट के रखा हुआ था उसको इसमें डाल देंगे, और इसको भी कैरामेलाइज नहीं करना है, बस इसका अरोमा आना चाहिए, खुशबू बहुत अच्छा सा आना चाहिए, और इसको थोड़ा सा हम सॉटे करेंगे बस इसका अरोमा आने तक, जो कि 1/2 मिनट से लेकर 1 मिनट का ही समय लगता है। जैसे ही इसमें से अरोमा आना शुरू हो जाएगा, तो हमने जो पास्ता को स्ट्रेनर की मदद से, पानी को हमने डिस्कार्ड कर लिया था और जो पास्ता अलग से रखा हुआ था, फिर उस पास्ता को इसमें हम डाल देंगे।
और पास्ता को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर जो कि चिली फ्लेक्स है उसको डाल देंगे, जो कि 1 चम्मच के करीब में डाल रही हूँ। आप अपने तीखे के हिसाब से इसको कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आधा छोटा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर और 1/3 चम्मच जितना नमक, बस पास्ता के हिसाब से, क्योंकि भेजिस के हिसाब से हमने पहले से नमक डाला हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अब अच्छे से हमने मिला दिया है, सॉटे कर लिया है। अब इसमें हम बाज़ार से रेडीमेड आप पास्ता जो मसाला मिलता है उसको डाल सकते हैं, या फिर आप घर में भी रेड पास्ता सॉस बनाकर डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पालक को भी डाल दिया है। पालक को पहले बिल्कुल मत डालिएगा, वरना ये पूरी तरह से गल जाता है, पालक में से बहुत सारा पानी निकलता है, तो इसको बाद में ही हमें डालना है। और इसको भी अच्छी तरह से इसके साथ सॉटे कर देना है, करीब 1 से 1.5 मिनट तक। जैसे कि ये जो स्पिनच के, पालक के जो पत्ते हैं वो थोड़ा सा कुक हो जाए पास्ता के साथ, और जो हमने नमक वगैरह जो डाला था उसके साथ थोड़ा सा सॉटे हो जाए। जैसे ही सॉटे हो जाएगा फिर हम सॉस डालेंगे, जो कि पास्ता सॉस होममेड वाला मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। आप बाज़ार से भी डाल सकते हैं 2 चम्मच के करीब जितना। जो होममेड वाला जो पास्ता सॉस का जो रेसिपी है कमेंट सेक्शन में है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं किस तरह से मैंने बनाया था इसको। तो उसमें से मैं 2 चम्मच का ही यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिलाकर अब बस आधा मिनट से 1 मिनट तक ही सॉटे करके इसको हम उसी प्लेट में ही निकाल देंगे जिसमें हमने पहले से सब्जियों को सॉटे करके निकाल कर रखा हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक अच्छी तरह से कुक हो चुका है, सॉस वगैरह सब मिल चुका है, तो मैंने अभी प्लेट में निकाल दिया है। तो सब्जियाँ और ये पास्ता अब इसको अलग कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में ही हम 1 चम्मच जितना तेल देंगे, छोटा चम्मच जितना, और आधा छोटा चम्मच जितना हम बटर लेंगे। और इन बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए इंतज़ार करेंगे। अब यहाँ पर बटर जैसे ही मेल्ट होगा इसमें मैं 2 छोटे चम्मच जितना मैदा यहाँ पर डालूँगी। अब यहाँ पर जो 2 छोटे चम्मच जो कि 1 टेबल स्पून के करीब है मैंने मैदा डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हम तेल और बटर के साथ थोड़ा सा इसको कुक कर लेंगे, ताकि इसका जो रॉ जो फ्लेवर है वो निकल जाए। आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक ही समय लगता है, और फ्लेम को अभी आपको लो फ्लेम पर ही रखना है, वरना ये जल जाएगा। लो फ्लेम पर मैं अब अच्छी तरह से इसको मैंने मिला दिया है। अब इसमें हम 1.5 कप जितना दूध डालेंगे, मगर एक साथ नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा ही हम इसमें दूध डालेंगे। और यहाँ पर जो मैदे को हमने जो कुक किया है आप देख सकते हैं वो एक गांठ की तरह नीचे जो है उसको थोड़ा थोड़ा सा दबा दबा कर हम मिलाते रहेंगे, और इतना ही पहले दूध डालेंगे और इसको मिलाते रहेंगे, जैसे कि ये सारे लम्स जो फॉर्म हुए हैं वो अच्छी तरह से दूध में मिल जाए। फिर उसके बाद हम जो रिमेनिंग जो दूध है इसमें फिर पोर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने दबा दबा कर अच्छे से जो लम्स है उसको मिला दिया है, और ये अच्छी तरह से दूध में अभी पूरी तरह से मिल चुका है। तो अब जो बाकी बचा हुआ जो दूध है अब इसमें हम वो सारे डाल देंगे। अब मैंने बाकी दूध को इसमें डाल दिया है, और इसमें दूध के हिसाब से ही बस आधा छोटा चम्मच जितना नमक और आधा छोटा चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर हम इसमें डाल देंगे। और 1 छोटा चम्मच जितना ही मैंने यहाँ पर मेयोनीज डाला हुआ है,
आप देख सकते हैं, जो कि मतलब आधा टेबल स्पून ही है। और उतना ही बस हम इसमें मेयोनीज का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है इसको खाने में और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बिल्कुल भी मतलब फैट इसमें चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। तो अब हमारा ये जो दूध तैयार है, मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने अभी दूध के साथ मिला दिया है। अब हमने जो सब्जियां और जो पास्ता अलग से प्लेट में रखे हुए थे, इन सारे चीज़ों को हम अभी दूध में डाल देंगे और इसको अच्छे से 2 से 2.5 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक कि हमारा दूध अच्छी तरह से सोख ना हो जाए सारे सब्जियों और पास्ता के अंदर, मगर पूरी तरह से ड्राई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसको सॉटे कर लिया है और चारों तरफ दूध इसके चारों तरफ लग चुका है। इसको 2 से 2.5 मिनट तक अब कुक कर लेंगे और ये अच्छी तरह से सोख हो जाए, फिर उसके बाद हम लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और स्वादिष्ट लगता है। तो अब यहाँ पर यह अच्छी तरह से हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर पनीर लिया हुआ है, आप दूध को फोड़ के उसमें से भी पनीर ले सकते हैं या फिर रेडीमेड बाज़ार का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाज़ार का लिया हुआ है, जिसको मैं उंगलियों की मदद से अच्छे से क्रम्बल करके इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको एंड में ही डालना है, जबकि कुकिंग प्रोसेस बस 1 से 2 मिनट का ही समय बचा हुआ हो तभी डालना है। पहले से डालेंगे तो फिर दूध जो है हमारा वो फट जाएगा, तो इसलिए एंड में इसको डालना है। और इसको अच्छी तरह से अब हम पास्ता के साथ मिला देंगे और बस 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि हमारा जो पनीर है वो सारे जो हमने सॉस वगैरह मसाले डाले थे उसका फ्लेवर इसके अंदर सोख हो जाए और इसको एक क्रीमी टेस्टी वाला एक टेक्सचर हो और स्वाद हो वो मिल सके। तो अब यहाँ पर हमारा बन चुका है। इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा ओरिगानो और चिली फ्लेक्स का मैंने इस्तेमाल किया है।